हमारे सभी भक्तों के लिए जो भी फेसबुक पर हैं या यूट्यूब पर हैं, आशीर्वाद। और भाई आपके कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं और एक सेकंड भी रुकिए जरा। भाई भाई नूतन सिंह हैं, अनुज शर्मा हैं, बीच में कुछ दिन हम सबसे पहले बता दें कि नहीं आ पाए तो, लेकिन हम मैसेज जरूर कर देते हैं तो, लेकिन वही 4 बजे का जो टाइम है आते हैं, और पूर्णमाशी को 11 बजे भी आते हैं, और अनअनाउंस्ड भी इसमें आ जाते हैं यूट्यूब में। तो भाई सभी के लिए आशीर्वाद है जो भी हमारे भक्त यूट्यूब पर फेसबुक पर हैं। ये जोगिंदर कौर हैं और जेनी हैं और रुचि हैं और ये सब यूट्यूब पर हैं, और ये बसंत पटेल हैं और अनुपमा सिन्हा हैं और ये प्रतिमा बिष्ट हैं। भाई आशीर्वाद है सभी के लिए। और प्रियंका चौधरी हैं, सुरेंद्र मीना हैं और दमन शर्मा हैं, जीतू कुमार हैं और गायत्री हैं और अभिजीत हैं। भाई आशीर्वाद है। और इधर यूट्यूब पर भी भाई बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, और रुचि हैं, प्रीति हैं, चिराग हैं और रीचा हैं। भाई सबके लिए आशीर्वाद है। भाई इनको समय, हम सोच रहे थे कि कैमरे पर लें लेकिन समय लग रहा है काफ़ी इनको। और सुशांत वर्मा हैं, और एकता जायसवाल हैं, आशीष हैं, अभिजीत डे हैं और नीता गुप्ता हैं और रमन हैं, अमृता हैं। मैं सबके लिए आशीर्वाद है। और स्वप्ना सिंह हैं और सुषमा सिंह हैं और ये किरणदीप हैं, आशीर्वाद है वही सबके लिए। ये पूजा कुमारी हैं, निर्मला देवी हैं, मधु हैं, अशोक और रीचा सिंह हैं। भाई आशीर्वाद है सबके लिए। और ये प्रतिमा देवी हैं और राठौड़ हैं प्रिंस जी। हाँ जी आशीर्वाद है। कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? बाबा जी मैं दिल्ली से, शास्त्री नगर से हूँ। दिल्ली शास्त्री नगर से। भाई सब सबसे पहले वैष्णो देवी की तरफ ध्यान जा रहा है, ये बताइए कि कब गए आप? मैं हर साल गई जाती हूँ बाबा जी, और इस बार भी जाने वाले थे नवरात्रे में, बट मेरा केदारनाथ जाने का प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है भाई, केदारनाथ जाने का बना हुआ है, लेकिन आप जाते थे माता के, इसीलिए माता सामने आ रही हैं। तो ऐसे कीजिएगा, बिल्कुल आप केदारनाथ जा सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट जो माता का मंदिर है जाके एक चुन्नी चढ़ा दिएगा, जो भी नियरेस्ट आपके घर के पास में होगा, और जब बनेगा प्रोग्राम तो जा सकते हैं। और दूसरा ये साईं बाबा आ रहे हैं भाई। शिरडी गए कितना समय हुआ? शिरडी कभी नहीं गई बाबा जी। कुछ सोचा था क्या, क्यों आ रहा है शिरडी का? क्योंकि मैं चादर चढ़ाने की सोची थी। हाँ, क्योंकि वो चादर चढ़ाने का जो सोचे थे,
इसीलिए चादर भी जा रही थी तो मैं आगे आपका वही बोलने वाला था, लेकिन चादर आप जहाँ नज़दीक जो है वहाँ चढ़ा दिएगा, तो जहाँ जा सकें, हर जगह दूर नहीं जा सकता आदमी, लेकिन किसी एक जगह का भी आप जाते हैं तो वो शक्तियों की कृपा बिल्कुल रहेगी। और अच्छा, ये हरी मिर्च बार बार क्यों आ रही है हमारे सामने भी? बाबा जी, हरी मिर्च में आती है उसकी जो पीछे वाली जो इतनी है, वो तोड़ के मैं अभी रखी हूँ बाबा जी। अच्छा, अभी सुबह। अच्छा, अभी तोड़ के रखे हैं उसको? हाँ, हाँ, बाबा जी, हाँ। क्यों भी ये तोड़ के कोई खास उससे होता है तोड़ के रखने से? नहीं नहीं, मतलब रखने से बाबा जी वो सूखता नहीं है। अच्छा, ज्यादा दिन चलता है? चलो ठीक है भाई, आशीर्वाद अच्छी है आपका। फार्मूला बाकियों को भी पता लग जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद है भाई। भाई जो जो भी हमारे भक्त देख ही रहे हैं कि वो चाहे चादर सोची हो, जाने का सोचा हो, और प्रोग्राम चेंज होता है तब भी, लेकिन शक्तियों से डरने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको आप जितना निभा सकें जिस तरीके से उतना आप सोचिए। हर जगह नहीं जा सकता है तो नियरेस्ट मंदिर में आप जा सकते हैं, और जब मौका मिले तो वहाँ मेन में जाया जा सकता है। भाई ये सृष्टि कुमार हैं और ओम प्रकाश साहू हैं, आशीर्वाद है, और भारती सोनी हैं और निकिता गिरी हैं, भाई आशीर्वाद है सबके लिए। और देवेंद्र सिंह हैं, आशीर्वाद है जी। बाबा जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, आशीर्वाद है भाई। कहाँ से बोल रहे हो अभी आप? बाबा जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, कुछ दिन पहले आपसे लाइव में एक बार बात हुई। अच्छा, थी। बात हो भी गई, दोबारा नंबर लग गया आपका है भाई। कितना देर पहले हुई थी बाबा जी? ये एक महीना लगभग हुआ होगा आपसे बात हुई थी, एक डेढ़ महीने पहले। एक डेढ़ महीने पहले अगर हुई है बात, तब तो भी किसी और को नंबर मिलना चाहिए। चलो लग गया है कोई। बाबा जी एक बात कहना चाह रहा था। हाँ बोलो। कि आपने मुझे चार चीजें बताई थी, मैंने चार चीज पूरा कर लिया है। और बाबा जी एक मेरा बहुत ही कठिन परिस्थिति चल रहा है, और एक मामला बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, वो क्लियर हो ही नहीं रहा है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स। हाँ कोई नहीं, आशीर्वाद है, वो भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक बार साईं बाबा के मंदिर आप जाइए, जो भी नियरेस्ट आपके नजदीक हो, आशीर्वाद है। जी, यार ठीक है जी, प्रणाम। वही आगे साकेत दुबे हैं, अनु कुमारी हैं, शर्मिला हैं और रिचा जैन हैं। वही इधर यूट्यूब पर भी हमारे जैनी कौर हैं और मनोज शर्मा हैं, और भाई बड़ी तेज़ी से यूट्यूब भाग रहा है, आशीर्वाद है भाई सबके लिए। रानी भगत हैं और चारू हैं, भाई आशीर्वाद है। वो और ये ललित नागपाल हैं, मंजू यादव हैं, श्रेया हैं, भाई सब के लिए आशीर्वाद है। हाँ जी प्रणाम, प्रणाम, आशीर्वाद है भाई। कहीं भाग नहीं रहे हैं, आप ही का लगा हुआ है नंबर भाई ये नहीं। आशीर्वाद, कहाँ से आप बोल रही हैं? आसाम दुलियागंज से। आसाम से, बहुत है। सिर्फ पहले हमें एक चीज बताइए कि आपने कबूतरों को दाना डालने का सोचा हो और डाला ना हो? हाँ, हाँ, बाबा जी सोचा, लेकिन आए ही नहीं बहुत दिन से मेरे यहाँ कबूतर। अच्छा, आए ही नहीं है? तो बिस्कुट दे रही थी दो तीन दिन से। लेकिन आपकी भावना जो है वो जरूर मंजूर हो रही है, तो इसीलिए हमने आपसे ये नहीं कहा कि डाला, आपसे आपने सोचा और नहीं डाला, तो क्योंकि आपके सोचने का आ रहा था कि दिल कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, जब नहीं कबूतर मिले तब भी भावना जो है वो जरूर। बाबा आपके नंबर लगने के लिए। आपसे बात नहीं हो रहा,
देखो नंबर आपका दाना भी नहीं डला फिर भी नंबर लग गया, आपकी भावना थी तो वो शक्तियाँ सब कुछ देखती हैं, और जो वाकई सच्ची सच्ची भावना होती है तो जरूर वो मंजूर होती है। हाँ, अगर जानबूझ के लापरवाही से आदमी करता है तो बात अलग हो जाती है। बिल्कुल आशीर्वाद है हमारा। तो आप माँ कामाख्या के कब गए भी? बाबा जी 2017 में बाबा। कितना दूर है आपके यहाँ से? बाबा जी लग जाता है, नहीं तो एक दिन पूरा सुबह जाने से। चलो जो भी आप जब कभी मौका मिले तो जा सकते हैं, जो नियरेस्ट मंदिर है वहाँ जाइएगा, और कबूतर अब वो भी मिल जाएंगे और डाल लीजिएगा दाना, आपका मंजूर बिल्कुल होता है और आशीर्वाद दूर कीजिए, मेरे बेटी मेरे पति का कृपा करो बाबा, सबके लिए आशीर्वाद है। ये केले बड़े आने शुरू हो गए हमारे सामने, आपने केले का पेड़ कहाँ दिखा है? केले का पेड़ बाबा जी मेरे घर का पास है, लेकिन मैं केले नहीं खाती हूँ बाबा। घर का पास है, पत्ते का यूज करती हूँ उस काम पे। अच्छा, पत्ते पूजा देने के लिए। पूजा के लिए आप केले का करते हैं? हाँ। तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है केले के लिए या क्या है? मैं फ्रूट्स नहीं खा पाती हूँ बाबा, थोड़ा तकलीफ हो जाता है, गैस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं खाइए, तो बेटर है कि आप एक दर्जन या 6 केले गरीबों में बांट दीजिए एक बार। बिल्कुल भाई, आप जब मर्जी बांट दीजिए, आशीर्वाद है हमारा। क्योंकि ऐसा नहीं है, जो चीज़ नहीं सूट करती है वो जरूरी खानी है, जो ना सूट करे तो बिल्कुल आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन वो गरीबों में बांट सकते हैं। कभी कभी खाने की चीज़ों का आ जाता है ऐसा कि किसी का, जैसे ये पूजा कर रहे हैं उसकी, तो फिर भी वो केले की लोग पूजा करते हैं, कृपा जरूर आ रही है, लेकिन अगर मेडिकली नहीं सूट कर रहा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई शक्ति ऐसी नहीं होती कि ज़बरदस्ती कहे कि आपने वो खाना है, तो आप बांट सकते हैं, चाहे वो प्रसाद हो चाहे कुछ और हो। तो वो हमेशा आपने अपने सेहत के हिसाब से ही चलना है, कि अगर मेडिकली नहीं सूट कर रहा है तो ना लीजिए। भाई अर्चना है और सोनी तिवारी हैं और अमर हैं, रिचा बसंत हैं, भाई आशीर्वाद है। भाई इधर यूट्यूब प्रिया हैं और सोनल हैं, भाई आशीर्वाद है सबके लिए। और अनीता हैं, पूजा हैं और अनु हैं और बुलबुल हैं, भाई सबके लिए आशीर्वाद है। और भाई जो भी बुलबुल नाम बोला है, तो मनी प्लांट उनका बड़ा आया है, भाई आप उसको सेवा भावना से दीजिए, फाइनेंशियली आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये उपाय नहीं है, सेवा भावना से करना है। और भाई ये विजय सिंह हैं, अर्चना राय हैं और शिखा भारती हैं और ये ठोटा चालिनी हैं और राजीव कुमार हैं और ये काजल सिंह हैं और जयश्री हैं, भाई आशीर्वाद है। हाँ जी, आपका ऑडियो तो आया है लेकिन वीडियो नहीं आया है, जॉइनिंग का दिखा रहा है, कैमरा आपका ठीक नहीं है, क्या है? लाइट है, यूएस में हूँ मैं, यूएस से बोल रही हूँ। नमस्ते जी पापा जी। भाई आशीर्वाद है, क्योंकि आपका लाइट नहीं है इसीलिए वो नहीं आ रहा है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं न्यू जर्सी से बोल रही हूँ। अच्छा, न्यू जर्सी से। भाई सबसे पहले तो एक चीज़ बताइए कि एक साई बाबा बहुत आ रहे हैं सामने और दूसरा सूर्य को जल देने का आ रहा है, आपने सूर्य को जल कब दिया पहले तो ये बताइए, और साई बाबा के कब गए? साई बाबा मैं एवरी थर्सडे जाती हूँ, मेरे घर के बाजू में ही बड़ा टेम्पल है। हाँ। और थर्सडे को जाती हूँ, माता टेक के आ जाती हूँ। हाँ। और सूर्य को जल देती थी, अभी यह ठंडी की वजह से दिया ही नहीं। हाँ, तो जो देती थी वो ठंडी की वजह से जो नहीं दिया है, तो वो आप बैठ रह के शुरू कर दीजिए, और साईं बाबा का आपका स्वीकार हो रहा है, आशीर्वाद है। और सूर्य को जल दीजिएगा तो ये आपके और भी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी,
आशीर्वाद है, हम दूसरे को लेते तुम्हारे हैं भाई। कहते हैं मेहर करना, मेरे हाँ बच्चे भाई, की मेहर भाई करना। आशीर्वाद है, क्योंकि आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है डाक की वजह से, तो हमें किसी और को मौका देना पड़ेगा। और ये राजीव मिश्रा हैं, सुषमा कुमारी हैं और बीना सुरवे हैं, आशीर्वाद है सबके लिए। और इधर सुजीत दास हैं और चेतना हैं, हाँ हेलो। जी हाँ जी हाँ जी, आपका वीडियो आना शुरू हो गया है। नागपुर से बोल रहे हैं? हाँ जी, नागपुर से बोल रहे हैं, आशीर्वाद है भाई। कृपा कर। अच्छा, एक चीज़ हमें, फैमिली के ऊपर कृपा कर। हाँ भाई, आशीर्वाद है, सारे परिवार के लिए आशीर्वाद है। सिर्फ एक चीज़ हमें बताइए कि तिरुपति बालाजी की तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है। बस अभी जाना है सर, अभी मई महीने में जाना है। तो जो आपने, मई महीने में जाना है। हाँ भाई, जो आपने जाना है, कोई नहीं, मई आने वाला ही है, तो जो सोच रखा है आपका भाई, वो एंट्री हो चुका है, उनकी कृपा भी आनी शुरू हो चुकी है, और जो प्रोग्राम बना रखा है वो जाइएगा, आशीर्वाद है हमारा। और बिल्कुल आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। और एक एक चीज़ और बताओ, ये इडली बड़ी सामने हमारे आई है, डोसा इडली। हाँ, अभी तो नहीं खाई है। कितना कितना समय पहले खाई थी? 5-6 महीने हो गए कम से कम। एक काम कीजिएगा, 2-4 इडली और डोसा गरीबों में बांट दीजिए। आपने तो जब खाना है खा लिया, 6 महीने में खाइए या साल में खाइए, या लेकिन एक बार जो है बांट दीजिएगा। और एक चीज़ और बताइए, ये केले बड़े आए सामने भी, केले भी आ रहे हैं। केले तो नहीं खाए, बांटे थे हम बीच में। कितना समय पहले बांटे? तुमने बोले तो हम बांटे थे बीच में। अच्छा, हाँ भाई, केले आपने बांटे हैं ना, आप केले खाते हैं ना इडली खाते हैं, खाते क्या हैं वैसे? सेब खाते हैं कि नहीं? वो भी नहीं खाते हैं सेब? वो भी नहीं खाते हैं? डॉक्टर ने सब कुछ मना कर रखा है क्या? नहीं, डॉक्टर ने मना नहीं किया। हाँ, तो सेहत कैसे कैसे बनेगी भाई? सेब तो खा सकते हो ना कम से कम, अगर डॉक्टर ने नहीं मना किया है तो। बाकी हाँ, बाकी जो बांटने का कहा है वो कर दिए, आशीर्वाद है। जो प्रोग्राम आपने बना रखा है वो आप पूरा कर लीजिएगा, आशीर्वाद है। एक सेकंड भाई, हम बदल रहे थे, लेकिन हमारे सामने ये आटा बेलन ये सब चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं भाई। आपने आपकी जो रोटी जो बनाते हैं, ये कब बनाई है? अभी तो, अभी सवेरे बनाई। किसने बनाई थी ये? आज सवेरे बनाई। किसने बनाई? आज सवेरे, ये मैंने बनाई थी। अच्छा, आपने बनाई थी? भाई बड़ी अच्छी बना लेते हो, तो इसीलिए इसी तरह बना के खिलाते रहो, उससे भी कृपा आती रहेगी, बार बार बेलन रोटी आ रही है। चलो ठीक है, आशीर्वाद है भाई। बेटी क्यों भाई, कुछ भी आप करते हैं, चाहे रोटी ही बना के खिलाते हैं, वो भी एक अच्छा कर्म घर के लिए हो जाता है। तो जिनको आती है भाई, बिल्कुल परिवार, आपकी परिवार में भी खुश रहेंगे, बना के खिला दीजिए कि रोज ना सही, कभी कभी सही, लेकिन कुछ भी जो है किया जाता है तो उससे कृपा जरूर आती है भाई, आशीर्वाद है हमारा सभी भक्तों के लिए। भाई इधर यूट्यूब पर आ रहे हैं, नेहा यादव हैं और जातवी हैं, मीता तिवारी हैं और लीना हैं भाई, आशीर्वाद है। और ये शिखा हैं और ये हार्दिक हैं भाई, आशीर्वाद है। और माया देवी हैं और अर्श यादव हैं और अंजू हैं भाई, आशीर्वाद है सबके लिए।
अनीता गुप्ता हैं। आकांक्षा श्रीवास्तव हैं, सैनी राज हैं और सुषमा सिंह हैं, आशीर्वाद है, रेणु सचदेव हैं और कनिका हैं कटियाल, और अकेला शर्मा हैं, आशीर्वाद है भाई। और सुनीता कोचर हैं, मोनिका श्रीवास्तव हैं और मीना देवी हैं और दिव्या सिंह हैं भाई, आशीर्वाद है सबके लिए। और ये जयश्री हैं और सोनिया सिंह हैं और संध्या हैं भाई, आशीर्वाद है भाई, इनको भी समय काफ़ी लग रहा है। पूनम सिंह हैं, सोमवीर हैं और कौशल यादव हैं भाई, आशीर्वाद है। और इधर यूट्यूब पर पूजा पंचाल हैं, प्रिया सिंह हैं और राधा हैं भाई, आशीर्वाद है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम, आशीर्वाद है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बाबा जी, हम लोग रांची से बोल रहे हैं। रांची से भाई, बिल्कुल आशीर्वाद है। अच्छा, सबसे पहले बाबा जी, एक साल के बाद आपका नंबर लगा है। चलो भाई, एक साल में लग गया ना, कई लोग ऐसे, हाँ आशीर्वाद है, कईयों को तो 10-10 साल भी लग हो गए हैं, लेकिन नंबर सबका लगा होता है, भले यहाँ पर आगे पीछे लगे। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले सूर्य बहुत आ रहे हैं हमारे सामने, सूर्य को आपने कब जल दिया? बाबा जी रोज जल चढ़ाते हैं बाबा जी, क्योंकि सूर्य की कृपा बिल्कुल आ रही है। और ये देवघर की तरफ ध्यान चला गया, अभी देवघर कब गए? हाँ बाबा जी, मन में था कि देवघर जाए, मन में था जाएं, भोले के पास आपकी एंट्री हो चुकी है, जो मन में सोचा है जाइए, बिल्कुल भर भर के कृपा आएगी बाबा जी, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से क्रेटा घर आइए बाबा जी, अभी जस्ट 2 महीने पहले हम लोग मांगे थे, एक साल बाबा जी आपसे ही मांगे थे। हाँ भाई, आशीर्वाद है भाई। एक चीज बाबा जी, हमको नींद का बहुत प्रॉब्लम है। एक सेकंड भाई, क्रेटा तो आ गई, एक चीज और आ रही है, और ये खासकर जेबरों की तरफ क्यों ध्यान गया है? अच्छा, बाबा जी बोले थे कि लॉकर में रखने, लेकिन हम लॉकर में अभी तक नहीं रख पाए। अच्छा, ये डायमंड खास कर क्यों आ रहा है, कुछ सोचा था क्या? बाबा जी सोचते तो है हमेशा, बाबा जी जब भी तनिष्क के पास से पार होती है तो बोलती है कि मतलब हम उसी तनिष्क की बात कर रहे हैं जो मन में सोच रहे हैं, क्रेटा आई है वो भी आ जाएगा, आशीर्वाद है हमारा। बाबा जी नींद नहीं आता है बाबा जी, बहुत प्रॉब्लम है, नींद कैसे आएगा बाबा जी, दवा लेना पड़ता है। हाँ, वो मेडिकल है, वो दिखाइए और ज्यादा सोचा मत कीजिए, आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगा भाई, आशीर्वाद है भाई। अब बाकी अब ऐसा है कि समय हम जानते हैं कि सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो भी हमारे वक्त फेसबुक पर आए या यूट्यूब पर आए, सबके लिए आशीर्वाद है। और अब हम इजाज़त चाहेंगे, और जब दोबारा आएंगे तो आप दोनों करके रखिए, फेसबुक और यूट्यूब, क्योंकि अगर बाय चांस फेसबुक नहीं आता है कई बार टेक्निकल रीजन से, तो यूट्यूब पर आ जाते हैं, और नहीं तो मैसेज कर देते हैं भाई, आशीर्वाद है, अब हम इजाज़त चाहेंगे, आशीर्वाद।